बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि कल होने वाली नौवें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए किसान सड़क पर उतर आए हैं। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर पर हो रही है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर उतार दिए। गाजीपुर से किसानों ने कूच किया है। 43वां दिन हो चुका है आंदोलन का। केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किया जाएगा, ऐसी योजना है। और ये ट्रैक्टर मार्च के साथ अब महिलाएं भी जुड़ गई हैं पंजाब और हरियाणा की। वहां से बड़ी संख्या में किसान आए हैं इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए। पुलिस ने हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि कई रूट्स आज ब्लॉक होने वाले हैं। उसकी जगह कौन से वैकल्पिक रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। 11 बजे किसानों का यह जत्था रवाना हो चुका है टिकरी बॉर्डर से कुंडली की ओर। तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी सिंह का, जो इस बीच किसानों के साथ मौजूद भी हैं और इस ट्रैक्टर रैली को इस वक्त कवर भी कर रही हैं। मौसमी, कितना असर अभी दिखाई दे रहा है सड़क पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं। लगभग 11 बजे ये काफला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए इस एक्सप्रेसवे पर, जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, एक दो तीन, नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या संदेश देने की कोशिश। संदेश तो हम जी मोदी ने दसना है बेकल की हो रहा है, भी की कर रहा है, सब को रद्द कर रहे हैं ना। अभी अपने घर जाइए, ठीक है के नहीं, साड़ी यही मांग है, साढ़े कानून रद्द करे हैं, काला कानून रद्द करे। हालांकि ट्रैक्टर बहुत तेज दौड़ रहा है, तो हम ये जोखिम नहीं उठाएंगे कि हम ट्रैक्टर से उतरे, क्योंकि रास्ता भटक जाएंगे, बहुत बड़ा है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफ्री एक्सप्रेसवे। और आपको बता दें कि ये टीकरी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तमाम किसान, तमाम ट्रैक्टर एकजुट होंगे और उसके बाद वहां से एक प्रेस वार्ता कह लीजिए या एक पब्लिक संदेश कह लीजिए जो किसान देंगे। मगर ये रिहर्सल से कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं होंगे, बल्कि 26 जनवरी आने वाली है और किसानों का जो जज्बा है, जो जोश है, वो लगातार बरकरार है। मीनाक्षी।